नाम सैयद सलाहुद्दीन, काम भारत में आतंक फैलाना, पहचान ग्लोबल टेररिस्ट, ओहदा हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया, दुनिया भर में खौफ फैलाने का ये ठेकेदार आज खुद खौफ ज़दा है। आखिर क्या है इसकी वजह? हम अगले आधे घंटे में आपको आतंकिस्तान के बेनकाब होने की कहानी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे कश्मीर के मोस्ट वांटेड आतंकी की मौत से बौखला गया है पाकिस्तान। साथ ही ये भी कि आखिर क्यों सरहद के पास पाकिस्तान के F-16 और मिराज लगातार भर रहे उड़ान। पाकिस्तान सच में कांप रहा है। उसके दिलो दिमाग पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक इस कदर हावी हो चुकी है कि उसने भारतीय सरहद के करीब अपने विमान उड़ाने शुरू कर दिए हैं। हंदवाड़ा में आतंकी हमले के बाद जिस तरह भारत ने बदला लेने और शहादत के व्यर्थ न जाने की बात कही है, उससे हुकूमत पाकिस्तान को यह डर लग रहा है कि आने वाले दिनों में उसे कहीं बड़ा खामियाजा न भुगतना पड़ जाए। सर्जिकल स्ट्राइक के डर से बौखला गया है पाकिस्तान। भारतीय सरहद के करीब उड़ रहे हैं पाकिस्तानी विमान। हर नापाक इरादे का जवाब देने को तैयार है हिंदुस्तान। हंदवाड़ा में पाकिस्तान के इशारे पर जो कुछ भी हुआ, उससे भारत ने अपने जाबाज अफसरों और जवानों को जरूर खोया, लेकिन बदला लेने के भारत के वादों और मजबूत इरादों ने पाकिस्तान को खौफ ज़दा कर दिया है। उसे डर है कि भारतीय सेना हंदवाड़ा का बदला लेने के लिए उसके इलाके में बने आतंकी कैंपों पर हमला कर सकती है। बिल्कुल वैसे जैसे उसने उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर पीओके में स्थित आतंकी कैंपों का सफाया कर दिया था। बुधवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर इसकी आशंका जताई थी। मैं दुनिया को लगातार आगाह कर रहा हूं कि झूठे फ्लैग ऑपरेशन के बहाने भारत पाकिस्तान को निशाना बना सकता है। भारत की तरफ से सबसे ताजा आरोप नियंत्रण रेखा से घुसपैठ का है, जो निराधार है, लेकिन ये उसी खतरनाक एजेंडा का हिस्सा है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर अचानक लड़ाकू विमानों की गतिविधियां बढ़ा दी है। ये पाकिस्तान की बौखलाहट ही है कि उसकी सीमा में सरहद के पास F-16, JF-17 और Mirage-3 उड़ान भर रहे हैं। जानकार भी मानते हैं कि भारतीय सरहद के करीब पाकिस्तान की इस तरह की गतिविधियां सामान्य नहीं है। पाकिस्तान को पता है कि भारत चुप नहीं बैठेगा और मुंहतोड़ जवाब देगा, तो इस तरह की गतिविधियां करना, उड़ान भरना स्वाभाविक है, क्योंकि उसे आशंका है कि किसी भी वक्त भारतीय वायुसेना अपनी कार्रवाई कर सकती है। और हमारे लिए भी ये स्वाभाविक है कि जब भी उनकी लड़ाकू गतिविधियां बढ़ती हैं सीमा पर, तो हमारे AWACS एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कंटिन्यूसली उनको मॉनिटर करते हैं, उन पे नजर रखते हैं। वैसे भारत फिलहाल पूरी तरह चौकन्ना है, उसकी नजर पाकिस्तान की हर एक गतिविधि पर है। भारतीय वायुसेना के एयरबेस भी पूरी तरह से अलर्ट पर रखे गए हैं। पाकिस्तानी विमानों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए भारत एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान को कई मोर्चे पर घेरने की योजना पर तेजी से काम शुरू किया है। धारा 370 हटाने के बाद से पीओके को लेकर सरकार कई बार साफ साफ शब्दों में संदेश दे चुकी है कि पीओके भारत का ही था और रहेगा। जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर ने भी इसको स्वीकार किया है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूँ तो पीओके इसके अंदर ही आता है। पहली बार मौसम विभाग ने पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के इलाकों को शामिल किया, जिसके बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराए जाने के आदेश का कड़ा विरोध भी किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलावा गिलगित बाल्टिस्तान भी भारत का हिस्सा है, लिहाजा पाकिस्तान इसे फौरन खाली कर दे, उसका यहां कब्जा गैर कानूनी है।
पीओके में आतंकी कैंप पाल रहा पाकिस्तान, आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तान। हंदवाड़ा में भारतीय सेना के साथ आतंकियों की मुठभेड़ से पहले भी पाकिस्तान के विमानों की उड़ान भरने की बात सामने आई थी। वैसे भी जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से आतंकियों की गतिविधियां बढ़ी हैं। हाल के दिनों में पीओके में कई आतंकी कैंप सक्रिय रहे हैं, जो भारत को अशांत करने की साजिश में जुटे हैं। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों में हर साजिश बेनकाब हुई है। खुफिया जानकारी के मुताबिक अभी भी पीओके के केल और ताजियान में लश्कर आतंकियों का दो ग्रुप घुसपैठ की फिराक में है। पीओके के लीपा में 6 लश्कर आतंकी, पीओके के जावरी में अलबदर के 4 आतंकी, पीओके के बत्तल में 5 अलबदर आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। बिम्बर गली सेक्टर के दूसरी ओर भी लश्कर ए तैयबा के आतंकी फिराक में है कि भारतीय सीमा में घुसकर सुरक्षा बलों पर आईडी ब्लास्ट करें। इस वक्त जिस तरह का जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में जो माहौल है, वहाँ पे काफी हद तक अमन शांति आई है। ये जो है पाकिस्तान को जूझ नहीं रहा है, वो नहीं चाहते कि वहाँ पे अमन शांति आए, क्योंकि उनको अपने कश्मीर का जो मुद्दा है उसको आगे लेकर जाना है। तो इसलिए पाकिस्तान की ओर से इसमें कोई कटौती नहीं होगी, उनकी कोशिश लगातार जारी रहेगी कि कश्मीर में दहशत फैलाया जाए, कश्मीर को इस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी आगे दर्शाया जाए कि वहाँ पे माहौल बिगड़ा हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पर अट्रॉसिटीज़ कमिट कर रहे हैं। ये तो उनका मकसद है, और इसलिए फॉल्स इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया के जरिए उनकी कार्रवाई जारी रहेगी, और इसके लिए वो जरूरी है कि वहाँ पे वायलेंस बरकरार रहे। अगर वहाँ वायलेंस खत्म हो गया तो फिर वो किस तरह से अपने फॉल्स प्रोपेगेंडा को आगे प्रोजेक्ट करेंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से परेशानी में होने के बावजूद पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर लगातार फायरिंग कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि वो अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सीमा पार पाकिस्तानी वायुसेना की बढ़ती गतिविधियों से पाकिस्तान की बौखलाहट को साफ तौर पर समझा जा सकता है। सीमा पार पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान भारतीय सीमा के नजदीक लगातार उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकियों की मदद से कश्मीर मुद्दे को भी चर्चा में बनाए रखना चाहता है, लेकिन हर बार की तरह इन दोनों ही मोर्चों पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। कैमरामैन अजय के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक सलाहुद्दीन के आतंकी संगठन की कमर टूट गई है। यह हुआ है पुलवामा में रियाज नाइकू के मौत के घाट उतरने के बाद। पाकिस्तान से आए एक ताजा वीडियो में सलाहुद्दीन ने न सिर्फ ये माना कि हंदवाड़ा हमला उसकी करतूत थी, बल्कि भारतीय सेना के पलटवार के बाद वो ये भी कहने को मजबूर हो गया कि भारत का पलड़ा अब भारी है। भारतीय सेना के पराक्रम से कांप उठा है आतंकिस्तान, आतंकियों की मौत का मातम बना रहा है पाकिस्तान। हिजबुल आतंकी नायकों की मौत से डर गया है सलाहुद्दीन। हंदवाड़ा हमले की जिम्मेदारी भी ले रहा है सलाहुद्दीन। अब भारत का पलड़ा भारी बता रहा है सलाहुद्दीन। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की ये तस्वीरें कुछ ही दिन पुरानी है, जब कश्मीर के मोस्ट वांटेड आतंकी रियाज नाइकू की कब्र उसी के गांव में बना दी गई थी। A++ कैटेगरी के इस आतंकी का खात्मा सुरक्षा बलों के लिए कितनी बड़ी कामयाबी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाहुद्दीन को इससे खासा सदमा लगा है। नाइकू की मौत के बाद पाकिस्तान में बाकायदा एक शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें उसके आका और दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक सलाहुद्दीन ने अपने पसंदीदा आतंकी के खोने का रोना रोया। रियाज अहमद नाइकू अल मारूफ मोहम्मद बिन कासिम एक खून रेज मारके में जाम शहादत नोश कर चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम ने 217 में ये मनसब संभाला था, तब से लेकर आज तक दुश्मन के लिए ऐसा शिकन साबित हो रहा था। बाई सबब एक अच्छी खासी रकम बतौर इनाम उसके सर पर मुकरर की गई थी। इस वीडियो में सलाहुद्दीन
भारत में होने वाली आतंकी वारदातों में हाथ होने की बात कहता दिख रहा है। लगे हाथों उसने हंदवाड़ा हमले की जिम्मेदारी तक ले ली, लेकिन सच तो यह है कि जनवरी से अब तक मारे गए 80 आतंकियों ने उसकी आतंकी योजनाओं को तहस नहस कर दिया है और अब नायकों की मौत के बाद तो उसका डर और बढ़ गया है। ये भारतीय सेना की चौकसी और पलटवार का ही नतीजा है कि सलाहुद्दीन अब भारत का पलड़ा भारी बताने को मजबूर हो गया है। मुजाहिदीन ने भी हालिया हंदवाड़ा राजवार की कार्रवाई में दुश्मन का कमर तोड़ दिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इस वक्त दुश्मन का पलड़ा भारी है। हमारी कमजोर पॉलिसियों की वजह से, हमारी मुआजरत खाना अप्रोच की वजह से, आलमी हालात के जबर में आने की वजह से इस वक्त की हमारी पॉलिसी, हमारे फैसले मैदान कारगर के लिए बहुत ही तकलीफ दे और नुकसान दे साबित हो रहे हैं। सलाउद्दीन के इस सदमे की बड़ी वजह भी है, नायकू करीब 8 साल तक उसके आतंकी संगठन का हिस्सा रहा और कई बार सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ते चढ़ते रह गया था। उसके सिर पर 12 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से वो कश्मीर में आतंकियों का पोस्टर बॉय बन गया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे मौत के घाट उतारकर सलाउद्दीन के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। जानकार भी मानते हैं कि कश्मीर के सबसे बड़े आतंकी की पाकिस्तान में शोक सभा हिजबुल मुजाहिदीन की कमर टूटने का भी एक बड़ा सबूत है। सलाउद्दीन एक कंडोलेंस मीटिंग अटेंड कर रहा था जो कि नायकू के लिए, टेररिस्ट नायकू के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी, और उस मीटिंग में ये भी खबर आई है कि सलाउद्दीन ने बोला है कि अब भारतीय फौजें उनके ऊपर हावी हो रही हैं और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेररिस्ट को वो जो भेज रहे हैं, वो उनके ऊपर बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं, एक के बाद एक वो हलाक हो रहे हैं, वो निकल मारे जा रहे हैं, तो ये उनके लिए एक गूढ़ चिंता का विषय है। नायकू एक उनका कमांडर था जिसे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था। 2017 से वो लगातार मिलिटेंसी में था। एक इसके मरने से मैं समझता हूँ कि हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब उनके पास कोई बड़ा एक्सपीरियंस कमांडर लेवल का, लीडरशिप लेवल का कोई बचा नहीं है फिलहाल। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। सरहद पार से कोरोना काल में भी आतंकी वारदातों को अंजाम देने में उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन हर बार भारतीय सुरक्षा बलों के हाथों उसे मुंह की खानी पड़ी है। वो खुद बर्बादी की कगार पर खड़ा है, लेकिन कश्मीर का राग अलापना नहीं भूलता। आज तक ब्यूरो। बर्बादी की कगार पर कैसे पहुंच चुका है पाकिस्तान, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। MBH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। मेरे पास है मेरा अपना पर्सनल होम थिएटर, मेरा स्मार्टफोन, एयरटेल थैंक्स पे मिलेगा अनलिमिटेड Z5, देखो सुपर हिट्स लाइक उरी, ड्रीम गर्ल, रंगबाज एंड डिस्कवर करो और भी बहुत कुछ, जो चाहो वो देखो थैंक्स टू एयरटेल थैंक्स। पहले अर्थव्यवस्था, फिर रोजगार और अब कोरोना की वजह से पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है, लेकिन आतंकिस्तान का तमगा उसे इतना पसंद है कि वो उसे अब भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लोग चीख रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन हुकूमतें पाकिस्तान है कि उसे या तो मौलानाओं की आवाज सुनाई देती है या फिर सेना के आदेश। न आतंक रोकने के इरादे, न कोरोना से लड़ने के पक्के वादे, न अर्थव्यवस्था दुरुस्त,
ना स्वास्थ्य सुविधाएं चुस्त। जी हाँ, यह है पाकिस्तान, एक ऐसा मुल्क जो किसी मोर्चे पर कभी स्थिर नहीं रहा है। ना तो वहां की अर्थव्यवस्था ठीक रहती है, ना तो वहां रोजगार और कारोबार के हालात ठीक है, ना तो दुनिया उसे अच्छी नजर से देखती है, ना ही कोई पड़ोसी देश उससे दोस्ती रखना चाहता है। इतना ही नहीं, वहां की चुनी हुई सरकार कभी भी स्थिर नहीं रह पाती। वहां की सरकारें सेना के गुलाम है, सेना के इशारों में पाकिस्तान की सरकार फैसले लेती है। हर मोर्चे पर फेल रहने वाला पाकिस्तान और उसकी सरकार के सामने कोरोना ने मानो पूरी तरह उसे मिटाने का फैसला ले लिया। डूबती अर्थव्यवस्था और कर्ज तले दबे पाकिस्तान को बचाने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान ने कोशिशें तो खूब की, लेकिन वो पाकिस्तान को और गर्क में ढकेलते चले गए। जब पूरी दुनिया में कहर मचाता हुआ कोरोना पाकिस्तान पहुंचा, तो इमरान खान ने इसे हल्के में लिया। अपने पड़ोसी मुल्क भारत से भी कुछ नहीं सीखा। इमरान खान के पाकिस्तान के पास ना तो कोरोना से लड़ने के लिए अच्छे अस्पताल हैं, ना ही डॉक्टर या दवाई और पीपी किट। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में सैनिटाइज करने के लिए कोई इंतजाम नहीं। जब कोरोना ने पाकिस्तान की हालत बद से बदतर करनी शुरू की, तब इमरान खान ने पाकिस्तान में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। लेकिन लॉकडाउन से दम तोड़ती पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत और भी भयावह हो गई। थक हार कर इमरान ने कई जगह लॉकडाउन खोलने और कई जगह ढेर सारी रियायतें देने का ऐलान कर दिया। कल से नहीं खुल रहा, सैटरडे से इंशाल्लाह परसों से लॉकडाउन खोल रहे हैं। बरतानिया जैसी जगह में 800-700 जो अमवात हैं, जो हमारी फौतकियाँ हैं, वो बढ़ रही हैं, लेकिन आहिस्ता बढ़ रही हैं। ये तो हमें पता था पढ़नी है, हमें सिर्फ जो खतरा था वो ये कि वो इतनी तेज़ी से ना बढ़ें कि हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर जगह ख़त्म हो जाएं और जो बिस्तर हमने ख़ास तौर पे कोरोना के मरीज़ जिनको शदीद बीमारी होती है उनके लिए जो रखे हुए हैं वो सारे बिस्तर ना ख़त्म हो जाएं। पहले से बदहाल पाकिस्तान पर यह फैसला भारी पड़ सकता है। इमरान के ऐलान से ये साफ हो गया है कि उन्हें पाकिस्तान के अवाम से ज्यादा अर्थव्यवस्था से प्यार है, लेकिन जनता का तो कुछ और ही कहना है। हम नहीं चाहते हैं कि अभी भी वक्त है इनके पास, इस बीमारी को एक बार कंट्रोल कर लें, उसके बाद जो है तो लॉकडाउन को खोलें। तकलीफ आम है, हम सबसे ज़्यादा गरीब लोग आम हैं, जो दैड़ी बदार हैं, लेकिन है कि हम खुद चाह रहे हैं कि ये बीमारी किसी से कंट्रोल हो, कि हम आज़ादी से घूम सकें, फिर सकें, कोई घर के लिए कोई रोटी पानी तो कर सकें। यहाँ तक कि पाकिस्तान के वो कोरोना वॉरियर्स तक सरकार से नाराज नजर आए जिन पर लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी है। कुछ खुशगुमानियां या विशफुल थिंकिंग जो पाकिस्तान में और हमारी कौम में पाई जाती है, उसका थोड़ा सा मैं वजाहत कर दूं और उसका हमें सद्दबाब करने की जरूरत है। हम लोग अमूमी तौर पर बनी इसराइल की तरह यह समझते हैं कि हम अल्लाह ताला के बहुत चहीते लोग हैं, हम वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने सेलेक्ट कर लिया है, मुंतखब कर लिया है, इसलिए इस किस्म के वबाई अमराज जो है वो हमारे करीब नहीं फटकेंगे। इस गलतफहमी को दूर करने की ज़रूरत है। और दूसरा, एक और गलतफहमी और बड़ी शिद्दत के साथ हमारे यहाँ मौजूद है कि ये जो मर्ज है इसकी पाकिस्तान में शिद्दत बहुत कम है। सोचिए, जब पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन हटाया तो कोहराम मच जाएगा, लेकिन इमरान को समझ नहीं आ रहा, वो देश चला रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान में कोरोना का कहर कम हो गया है। पाकिस्तान पर लॉकडाउन खोलने का असर कितना भारी पड़ेगा इसे ऐसे समझिए। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। पाकिस्तान में 29,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। पाकिस्तान में अब तक करीब 638 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सही इंतजाम नहीं है। इस मुल्क की दिक्कत यह है कि इमरान खान अर्थव्यवस्था, सेना और मौलानाओं को ध्यान में रखकर ही फैसले लेते रहे हैं और उन्हें अपने अवाम से कोई सरोकार नहीं है। मौलानाओं की मांग पर इमरान ने
मस्जिद में नमाज पढ़ने की छूट दे दी। फिर दुआओं के लिए हुए एक शो में पूरी दुनिया ने न सिर्फ तबलीगी जमात के मौलाना का रोना देखा, बल्कि महिलाओं और बच्चियों के लिए उसकी घटिया सोच भी सामने आई। मेरे देश की बेटियों को कौन नचा रहा है, उनके कपड़े लिबास मुख्तसर कौन करवा रहा है, किसके गर्दन में मैं ये गुनाह डालूं? मैं मुजरिम हूं, मैंने अपनी कौम को नहीं समझाया, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं। लेकिन जब मुसलमान की बेटी बेहयाई की तरफ चल पड़े और नौजवान बेहयाई की तरफ चल पड़े तो अल्लाह की रहमत, सबसे ज्यादा अजाब कौम लूत पर आया कि वो बेहयाई में सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर गए थे। खुद पाकिस्तान कई मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कश्मीर उसके दिलो दिमाग पर इस कदर छाया हुआ है कि सरहद पार आतंकी वारदातों में वो अपनी पूरी ताकत भी लगाता है, पैसा भी फूंकता है और फिर भारत से मुंह की भी खाता है। यानी बर्बादी के मुहाने पर बैठा है पाकिस्तान आज तक। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।